नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी के द्वारा एक सूचना जारी की गई है और ये सूचना जो है ओएमआर सीट को लेकर है। आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें दिया गया है विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 1 अक्टूबर 2023 से 10 अक्टूबर 2023 तक आयोग के वेबसाइट पर जाकर स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर सीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यानी कि कल से लेकर 10 अक्टूबर तक आप लोगों को समय दिया गया है। जितने भी कैंडिडेट टीआरई में शामिल हुए थे, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में शामिल हुए थे, वो जाकर अपना जो ओएमआर सीट है वो देख सकते हैं। आपको बता दें कि रिजल्ट को लेकर जो है रिजल्ट अक्टूबर मध्य तक घोषित किए जाने की पूरी संभावना है, लेकिन आयोग नया परिपाटी शुरू हुआ बीपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा से और वो टीआरई में भी लागू किया गया है। और कुछ दिन पहले ही आयोग के अध्यक्ष ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि बहुत जल्द जो है हम जो शिक्षक बहाली के लिए परीक्षा हुई है उनके ओएमआर सीट जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, जहां पर कैंडिडेट जाकर अपने ओएमआर सीट को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आंसर की जारी हुआ है उससे प्रश्नों के उत्तर मिला सकते हैं और उसके बाद भी अगर कुछ ऑब्जेक्शन होता है तो उसको लेकर आयोग में संपर्क कर सकते हैं। और इसी को लेकर आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कल जो है वो ओएमआर सीट जो है अवेलेबल हो जाएंगे आप लोगों के। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि एसटीईटी 2023 को लेकर खबरें निकल के आ रही हैं कि 3 अक्टूबर को इसका रिजल्ट जारी हो सकता है और अब बिहार में हर साल 2 बार एसटीईटी की परीक्षा ली जाएगी, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। तो बताएं आपको कि बीपीएससी के द्वारा आज 69वीं पीटी परीक्षा का समापन हुआ और इसके साथ साथ कल से जो है आप जितने भी शिक्षक कैंडिडेट हैं जिन्होंने परीक्षा दिया है वो ओएमआर सीट अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस दिया गया, नोटिस आप देख सकते हैं और एसटीईटी का रिजल्ट जो है वो 3 अक्टूबर को संभावित है, ऐसी सूचनाएं निकल के आ रही हैं। और साल भर में साल में 2 बार एसटीईटी की परीक्षा ली जाएगी। तो ये सुखद खबर है, अच्छी खबर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।